बच्चे मैं तो ना कहा कि तकरीबन 7 बजे तक पार्सल वाली गाड़ी पहुंचेगी। मैं पहुंच गया बस 7:09 मैं तकरीबन 6:30 पहुंच गया साहब। इधर पीछे गाड़ी के पीछे आओ ना, एक देखो आ रहा है छोटा कैरी डब्बा। आज फिर भागते हुए। हेलो जी। मूड हमारा कुछ और था खाने का, लेकिन हम गवर्नमेंट क्या क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उतर रहे हैं और सेवर जा रहे हैं जी। चलो जी सेवर। असल में आज आपके भाई का शूट का दिन, एक ऐड जो है वो बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जिंदगी बाय जाफर सज्जा। आप ठीक ठाक होंगे, सेहत तबीयत मिजाज आपके ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। मैंने कपड़े शपड़े पहन लिए, चेंज शेंज कर लिया है, और आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके और फिर अगली बात आगे सुनो, लाइक शेयर जरूर करो। एक निच लो आप, हाजी हाजी निचे का पैकेज ऑन हुआ है और होते दिए ना वो पानी अंदर गया। अच्छा जी, और आज का जो सीन कुछ इस तरह का है, आपने जो बात कर दी है मैंने वो बात सुन लिया जी, बड़ा आपने इग्नोर नहीं की, मैंने बड़ा खुशी से, मैंने अंदर अंदर मुझे खुशी से वो लड्डू फूट रहे हैं। किस बात को 200 रुपया? 200 रुपया भी देने हैं मुझे भी, अरिका को भी। किस चीज के 200 रुपया? मैंने आप लोगों को वो प्रैक्टिस करवा रहा था, प्रैक्टिस करवा रहा था। ना ना ना, प्रैक्टिस करवा रहा था। तो कुछ सीन इस तरह का है कि मेरी आज की फ्लाइट है और जल्दी जल्दी पहुंचना है, लेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। टाइम क्या हो गया? 3:15 हो गया। उठो यार, चलें, चार वाला तो जहाज पकड़ ही रहे, उठो। तो निकल रहे हैं जी, आपको रास्ते में मिलते हैं। आपको मैंने बताया दिखाया था कि लास्ट व्लॉग में मैंने वॉश वगैरह करा ली थी, इजीली वॉश वगैरह हो जाती है मेरी गाड़ी, 2 मिनट लगते हैं। आपका भाई जरा स्पीड और स्पीड वाला बंदा है, और आप भाई आपका गाड़ी के अंदर बैठने लगा है, एक दफा खुद ड्राइव करेगा, आते हुए फिर कोई और ड्राइव करेगा। ठीक हो गया जी। A few moments later. तो टाइम से एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट कह रहा हूँ सॉरी, ये टाइम से मैं तो पहुंच आया था, लेकिन हमेशा की तरह लेडीज जो है आपको पता है कोई ना कोई काम निकाल ही रखती हैं। आप बाजार का काम था अभी, ना मौसम था ना कुछ था, लेकिन जाना जरूरी था, हमने जी बाजार जाना है, बाजार जाना है। बाजार के चक्कर में अच्छी खासी है गाड़ी जो हाथ से निकल गई है, अब दूसरी गाड़ी का इंतजार करते हैं। आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आपके मेरे मुंह मेरे, तो चलें जी अब वो उनका इंतजार करते हैं, मैडम साहिबा का, वो आती हैं तो फिर उनको पिक करके फिर आगे निकलते हैं। गाड़ी पीछे एक और भी आ गई है, चलो वेट करते हैं उसका। मुंह का हाल है, जबकि बालों की मैं कंघी करके आया, उसके बावजूद बाल मेरे ऐसे बिखरे हुए हैं, और खत कराने का टाइम ही मुझे नहीं मिला। बस अब उधर पहुंचेंगे और फिर जाके खत। इधर आई नहीं जगह मामा, मामा मुझे ड्रॉप करने आई हुई हैं। मैम मैं फिर जा रहा हूँ, हैं रब सोने लिख छोड़िया रोजियां विच परदेस आंदे, है ना ऐसी है ना। तो बस जनाब आती हैं और पता नहीं कहाँ रह गई हैं, वो आती हैं तो फिर निकलते हैं और अगले शहर ही जाके आज खात कराऊंगा। 1 hour later हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, और टिकट हमारी कब की थी, टिकट करवाई नहीं थी, लेकिन गाड़ी में हम लोग बैठ गए। हाँ, आपने हमेशा की तरह लेट कराना होता है बाजार को उसके, सच में इन्होंने बड़ा लेट करवाया। हाँ लेट करवाया, चलते हैं मेरे पे बेबुनियाद। अब मैं आराम से सोऊंगा और आप उधर जाके मिलते हैं डेस्टिनेशन पे। 2000 years later आपको पता है इतनी देर में मैंने वैसे अपनी गाड़ी पे पहुंच जाना था। हाँ, इतनी देर में अपनी गाड़ी में हमने घर होना था, 3 घंटे हो गए मैं जो बस में बैठे हुए, मेरी तो फ्लाइट निकल गई। चल झूठा कोई हाल है इनका, अगली फ्लाइट 1 घंटे बाद जाएगी ले लेना। वो जैसे वो कहता है गोबर धर्म चल। अच्छा कुछ सीन इस तरह का है, हमने घर में किसी को नहीं बताया हुआ, और हम बस पे डायरेक्टली आके बैठ, बस पे बैठे हैं तो जा रहे हैं, आपको पता है हम किधर जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं मेरे। वहाँ जाके हमने मादी को सरप्राइज देना है, लेकिन वो आधे रास्ते जाके उसको सरप्राइज, और मादी को हमने कहानी करवाई है। मादी पे टर्मिनल पे आ रहा है, मादी साहब टर्मिनल पर आ रहे हैं, उनको ये कहा हुआ है कि हमने आपको एक पार्सल भेजा हुआ है और वो पार्सल आपने पिक कर लेना है, कॉन्फिडेंशियल पार्सल आपने पिक कर। पार्सल क्या है? पार्सल कौन है? हम दोनों। ठीक है, उसको इस तरह का बुलाया हुआ है, एक तो उसको जाके सरप्राइज देते हैं,
दूसरा फिर ये होगा कि हम लोग जो है सारे काम वगैरह करने के बाद खा जाएंगे, क्योंकि सुबह बड़ा खास और इम्पोर्टेंट दिन है। मादी साहब मुझे कॉल कर रहे हैं और कॉल करके क्या कह रहे हैं, गाड़ी नहीं आई। उसको बोलो गाड़ी लाने ना, कॉल करो ना, बोलो आराम है। आप बताओ मरीज ने सर ना तुम्हारे लिए पाए मंगाए थे बच्चे, मैं तो ना क्या कि तकरीबन 7 बजे तक पार्सल वाली गाड़ी पहुंचेगी। बस पहुंचने वाली होगी, उन्होंने मुझे बोला था कि 7:15 में मुझे बंदे को कहिएगा आके ले ले। यार तुम्हारे लिए एक इतनी मेहनत करके चीज भेज रहे हैं, ऊपर से तुम नखरे दिखा रहे हो, बोलो वापस कर देते हैं। कामी भाई जिंदाबाद, कामी भाई जिंदाबाद, कोई चक्कर नहीं। चलो बस पहुंचने वाले होने, ठीक है। लो जिसको पानी करा दिए, अब जाके पता लगता है उसे, अब जाके 5 साल हाँ मैं पाया और आप नहीं आ रही। इससे पहले मादी ने कॉल करके पूछा कि आप लोग बस के अंदर ही तो नहीं है, कि आप ही तो नहीं आ रहे। मैंने कहा नहीं भाईजान, हम लोग आपको पार्सल करवा के घर वापस जा रहे हैं, इसलिए आपको गाड़ी का शौर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये होगी बात क्लियर। अब आ गई दोबारा मादी साहब की कॉल, जो कि आप सुन चुके हैं। अब हम जाते हैं और उसको डिलीवरी बॉय बन के पार्सल देते हैं। One eternity later. जो गाड़ी नंबर उसको बता रहे हैं। हाँ जी एक करो, एक ये कोई 8 छोटा कैरी डब्बा। आज फिर भागते हुए कैसा लगा मेरा मजाक? मादी साहब ये बड़ा अच्छा ख्याल है, छोटी गाड़ी लेके आयो सर। देख ले मुझे पता था ना भाई पार्सल बड़ा आ रहा है, मैं अपने हिसाब से लेके आऊँ। आखिरी बार छोटी छोटी में जाएंगे, पार्सल लेके सीधा निकल जाएंगे, ऑफिस चले जाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा था क्या पार्सल आ रहा है? चलो इतने लंबे सफर के बाद फाइनली 8:30-9 बजे के करीब आप मादी साहब हमें खाना खिलाने ले आए हैं। वो भी कहाँ पर लेके आए? अपने खानदानी फूड पे, सेवर फूड पे। मूड हमारा कुछ और था खाने का, लेकिन हम गवर्नमेंट क्या क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उतर रहे हैं और सेवर जा रहे हैं जी। चलो जी सेवर आ गया अपना खानदानी, इन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है, 3 हाफ 2 मलाई वाले, 3 कबाब वाले और वो वाले सारे, ठीक है जी। वो अब आते हैं चावल खा के। वैसे हमने बन किसी दिन बंगाली जाना है, ये तयशुदा बात है। दोपहर को भी चावल और अभी भी चावल, तो अब सेवर के चावल हैं जी। सेवर फिर खानदानी फूड हुआ, या इधर आए बैठे हैं और खाना आता है खाते हैं और उसके बाद जाते हैं, कोई मुँह का ढांक कर आते हैं और बाकी का फिर कंटिन्यू करते हैं।
नहीं जी, खाना शाना आ गया और आप खाना खाते हैं उसके बाद कोई अगले मामला करते हैं, भूख बड़ी लगी पड़ी है। पहले बड़े चावलों से भाग रहे थे, आप चावल दोबारा खाते हैं और आपको चावल खाने के बाद मुलाकात करते हैं। ये देखें जी, सफाई सुथराई चेक करें, मामला क्लियर। आराम से खाना शाना खाने के बाद भाई आपका आके गाड़ी में लेट गया, सुकून से लेट गया। लेटने के बाद भाई का दिल कर पड़ा है रसमलाई पे। मादी से पूछा गया कि कहीं से अच्छी रसमलाई मिलती है, मादी ने कहा हाँ जी बड़ी अच्छी मिलती है। पीछे से एक आवाज आती है, क्या नाम है इसका, रशीद स्वीट, तो बड़ी अच्छी मिलती है, रशीद स्वीट पे चलते हैं जी। मादी का अल्लाह भला करे, बिल्कुल 2 मिनट के फासले पे मेरा फैसला हुआ, 2 मिनट की बात पे मादी साहब लेके मैं इधर पहुंच गया। और बड़ी बात है कि बड़े दिन बाद कोई फरमाइश की है। फरमाइश मुझे गुजरते गुजरते ऐसे याद आ गई। नहीं बाजी सॉरी। अच्छा तो फिर रसमलाई लेने आ गए, रसमलाई खाने के बाद जो है अब घर पहुंचेंगे। मादी के पास टाइम भी इतना ही, उसने ऑफिस भी जाना है, बाकी के काम फिर जो है वो मैं देख पाऊँ कब करने और कैसे करने। ठीक है तो एक दफ़ा रसमलाई आ जाए। After a long, long time, ये रसमलाई पीली पीली क्यों है? चेक करूंगा जरा। मजेदार। ठीक है। वो वाली नहीं है जो मैं सोच रहा था। अच्छा लो, something is better than anything. ठीक है। मजेदार। One eternity later. गाड़ियों के पीछे बड़ा कुछ नजर आता है देखने को, सुनने को, पढ़ने को। अपनी गाड़ी के पीछे आपको कुछ लिखवाना है इसी तरह, यही लिखाओ, जानी की रानी। आपने गाड़ी के पीछे क्या लिखवाना है? शाह जी की रानी। शाबाश, शोनू बोलू तो साढ़े चख दे। असल में आज आपके भाई का शूट का दिन, एक ऐड जो है वो बना रहा हूँ। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? तो आज ये कैमरा पकड़े, मैं जरा तस्वीरें बनवा लूं। बैकग्राउंड जो है ब्लू और ब्लैक। फुल प्रिपरेशन चल रही है जी शूट की। क्या यार, बड़े भाई बंदा चेक ही कर लेना पहले यार। खाना शाना खाने के बाद, फोटो शूट कराने के बाद मेरी जो शूट का आज डेट थी वो भी पूरी हो गई जी। शूट कराने के बाद अब मैं घर पहुंच आया हूं और अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट और सुबह से फिर काम काज शुरू हो जाने हैं। फ्लाइट तो वैसे मिस हो गई है। फ्लाइट मिस हो गई है, सही बात है। तो रेस्ट कर लोगे? तो मैं फुल रेस्ट ही चलूंगा। सही बात है, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी करे। लेकिन हम लोग अब रेस्ट करते हैं, आप जाशी मारे। हां जी, अभी जा रहे हैं। चलो जी उतरो घर आ गए।